हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम आए खेतों पे। तो आज बताएंगे थ्री फेस मोटर में मास्टर, जिसको ऑटो स्विच बोलते हैं इंग्लिश में, उसको कैसे लगाएं। तो चलते हैं उसी की ओर और बताते हैं आपको कैसे दिखाते हैं। चलो लगा के बताएंगे, लगा के डायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन सब बताएंगे आपके लिए। लेट्स गो। ये मास्टर के छह तार हैं, नीला, दो ब्लैक, हरा, पीला और लाल। तो फिर हरा पॉइंट जा रहा है इधर, ये जा रहा हरा पॉइंट इधर है, लाल इस लाल बटन पे लग रहा है, लाल इस लाल बटन पे, पीला पीले बटन पे लग रहा है, और दो ब्लैक ये लग रहे, दो ब्लैक इस पर लग रहे हैं L1 पर, और L1 पर ही लग रहा है, ये L1 से जा रहा है, L1, L2, L3, L1 पर लग रहा है। हरा तार, पीला तार पीले बटन पर, लाल तार लाल बटन पर, दो तो ये हो गए, तीन ये हो गए, एक तार, एक हरा तार बचा है, वो हरा तार ये जा रहा, इस पॉइंट पर जा रहा है, ये रहा इस पॉइंट पर जा रहा है हरा तार। तो इस तरह से ये मास्टर का कनेक्शन हो जाता है क्लियर। तो इसी तरह से अब दूसरे पर करना है, इस तरह से है, ये स्विचों का कनेक्शन है, स्विचों पर इस तरह से हो रहा है। चलो ठीक है, ये तो हो गया, इसको तो बंद कर देते हैं। हो गया बंद, चलते हैं अब। ये ओमेगा का ऑटो स्विच है जो जल चुका है, बर्स्ट हो चुकी है इसमें, ये इसका बटन काम नहीं कर रहा है, जल चुका है, इधर भी आग लगी है, इधर भी फ्यूजों में आग लगी है, तो ये जल चुका है। तो इसको इसके साथ चेंज किया जाएगा, ये पुराने वाला है, ये नए वाला है एलिको का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ऑटो स्विच लगा दिया गया है। इसके बाद इसमें, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हरे तार वाला है जो इधर से इस पॉइंट से आ रहा है, तो ये डायरेक्ट हुआ पड़ा है, तो ये पीले में लग रहा है, पीले बटन में, ये हरे वाला पीले में लग रहा है, और ये जो L1 से जो आ रही है, ये जो लाइन आ रही है L1 वाली, ये लाल में लग रही है, ये लग रही है इस वाले में, इधर वाले लाइन लाल में इसमें लग रहा है ये, और ये लग रहा है इसमें हरा वाला। तो इससे ये कनेक्शन बिना ऑटो स्विच के चलता है, ओनली बटन दबाने पर। तो अब इसको किया जाएगा किससे, इसको किया जाएगा मास्टर से। तो इसके लिए सबसे पहले इसको खोला जाएगा, इसको खोल के हटाया जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट हो गया हरे के लिए, हरे वायर के लिए, ये दो पॉइंट काले के लिए, ये नीले के लिए। तो अभी इसको करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये न्यू ऑटो स्विच था, इसको इसका कनेक्शन कर दिया गया है L1, L2, L3 जो लाइन के तार होते हैं उनमें लगा दिया गया है, L3 में, L2 में, दोनों काले तार को लगा दिया गया है,
नीले तार को L1 में लगाया गया है, जिससे कि एक वायर निकल के सीधा इधर आ रहा है, लाल पर ये सीधा आ रहा है इस पर। इसके बाद में तीन तार कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीन तार बचे थे, ये तीनों में से एक ग्रीन वायर को इधर लगा दिया गया है, लाल वायर को इधर लगा दिया गया है और पीले वायर को इधर लगा दिया गया है, पीले स्विच पर, लाल को लाल स्विच पर। अगर इसे डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट चलाना हो, तो पीले वाले वायर को हटा देते हैं और पीले वायर को हटा के और इसको भी हटा देते हैं, हरे को, इसको हटा करके इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको इसमें लगा दिया जाता है इस जगह पर। तो ये बटन से ऑटोमेटिक चल जाती है, इस तरह से चल जाती है ये ऑटोमेटिक, इस तरह चल जाती है। तो इस प्रकार से कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है ऑटो स्विच का, और तो कुछ नहीं है, घड़ी के कनेक्शन ही है। घड़ी के कनेक्शन किसी भी मोटर के वायर में लगा दो, दो में एक दो इसमें लगाया हुआ है, इन दोनों में लगे हुए हैं घड़ी के कनेक्शन, तो इनसे चल जाएगी। इन दोनों में लगा दो, चाहे उधर की साइड में जो वो हैं तीनों वायर, उनमें से दो में किसी में लगा दो तो घड़ी चल जाती है इस तरह से। तो इस प्रकार से मोटर के ऑटो स्विच का कनेक्शन हो चुका है, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है, और देखते हैं अभी चलती नहीं चलती। जैसे कि अगर ये मोटर नहीं चल पाती है, तो उस स्थिति में ऐसा किया जाता है कि जो ये दो ब्लैक वायर है ना, दो ब्लैक वायर जो दिख रही हैं, एक वायर तो ये और एक वायर ये, तो इन दोनों ब्लैक वायरों को आपस में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि इससे फेस चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको बदलना पड़ता है, तभी मोटर चलती है। कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताना, ये रही हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, घंटे के बटन को दबाना। ठीक है, ओके।